मैडम, मैं आपसे एक बात पूछूं? तुम लोगों को ऐसा होटलों में कौन आने देता है? मैडम, आपका नाम सर से शुरू होना चाहिए, और यदि ऐसा है तो मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। व्हाट्स अक्षर? एस मैडम, यस, क्यू आर एस। गुड लॉर्ड, गेट लॉस्ट। मैं ये बातें नहीं मानती। आपके न मानने से क्या होता है? देयर इज अ स्टार इन योर हैंड मैडम, बिग स्टार। मुझे तो कोई स्टार नहीं दिखता। आपको कैसे दिखाई देगा? हम दिखाते हैं, हम दिखाते हैं। सुंदर, अति सुंदर, ऐसा शक्तिशाली हाथ तो मैंने आज तक देखा ही नहीं। मगर सूर्य उल्टा चक्कर चला रहा है। मैडम, आपको ऐसा आदमी मिलेगा जो आपकी काया पलट देगा। मेरी विद्या झूठ नहीं बोलती मैडम, वो महापुरुष अवश्य आएंगे। वो आए या ना आए, लेकिन तुम अवश्य जाओगे। क्यों देवी जी को खामखा परेशान कर रहे हो? परेशान नहीं कर रहा हूँ श्रीमान जी, मैं तो इनका भविष्य देख रहा हूँ। भविष्य? तुम्हारे भविष्य में आज क्या लिखा है? राहु और केतु दोनों घर दबाए बैठे हैं, आज धंधे में हानि उठाने की संभावना है। झूठ, तुम्हारा ज्योतिष बिल्कुल गलत है। आज तुम्हें लाभ होने वाला है। ये लो 20 रुपए और रघु चक्कर हो जाओ यहाँ। नमस्कार, नमस्कार। जिस तकदीर को ये नकली पंडित पढ़ ले, वो ब्रह्मा की लिखी हुई तो हो नहीं सकती। ये तो बड़े फ्रॉड होते हैं। तो आपने उसे 20 रुपए क्यों दिए? वो आपको धोखा देने वाला था, आप धोखा खाने वाली थी। मैंने रुपए देकर उसे धोखा देने से बचा लिया और आपको धोखा खाने से। अच्छा, तो इजाजत दीजिए। चाय मैडम। ये लाल साहब भी बड़े मजे के आदमी हैं। कौन लाल साहब? जो आपसे बातें कर रहे थे। नाम भी लाल, लिबास भी लाल, सर से पांव तक लाल ही लाल। ये है कौन? बहुत बड़े आदमी है मैडम। अच्छा, करते क्या है? भलाई करते हैं। व्हाट? यस मैडम। अच्छा, आपके ख्याल से इनकी उम्र कितनी होगी? ये कोई 40-50। मैडम, अगले महीने की 3 तारीख को पूरे 94 साल के हो जाएंगे। 94 years old। Oh no, impossible। अजी, पहले तो मैं भी नहीं मानता था। जब लीना मेम साहब की काया देखते देखते पलट गई ना, तो फिर मानना पड़ा। वो देखिए। अच्छा बताइए, ये कितने साल की होंगी? यही 20-21। अजी, 55 माह खत्म हो के 56वें में आ चुकी हैं। ओह नो नो, मैं नहीं मानती। बात कंगन को आरती क्या पूछ लीजिए, मगर मामा मेरा नाम ना लीजिएगा। गरीब आदमी हूँ, लाल साहब रिपोर्ट कर देंगे ना तो मेरी नौकरी जाती रहेगी। माय गॉड, 55 years। जी हाँ, ये 1910 की बात है। जब मैं 30 साल का एक बेफिक्र नौजवान था, छुट्टियां काटने के लिए ऋषिकेश चला गया। एक दिन मैं जंगलों में घूम रहा था, क्या देखता हूं कि एक सुनहरी हिरन हटकेलियां करता हुआ चला रहा है। इतने में एक शिकारी ने बंदूक दाग दी, हिरन जख्मी हो गया और वो लड़खड़ाकर सीधा मेरे कदमों में आ गिरा। वो मुझे अपनी बड़ी बड़ी स्याह हसरत भरी आंखों से देखने लगा। मैंने रुमाल निकालकर उसके जख्म पर बांध दिया और पानी लेने के लिए पासी के झरने की तरफ चला गया। जब मैं वापस आया, जानती हैं मैंने क्या देखा? क्या देखा? जिस जगह मैं उस हिरन को छोड़ के गया था, उस जगह एक देवता समान आदमी बैठा था। देवता? मैं कांप गया, उनके कदमों में सर रख दिया। बोला, महर्षि, अब मैं इन चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। फिर क्या हुआ? गुरुदेव बोले, नहीं बच्चा, अभी पृथ्वी को तेरी बहुत जरूरत है। मैंने कहा, जो आज्ञा। प्रश्न किया कि दुनिया में इंसान को सबसे ज्यादा कौन सी चीज परेशान करती है। मैंने कहा, रोटी कपड़ा और मकान। बोले, नहीं इससे भी ज्यादा। मैंने डरते हुए कहा, इनकम टैक्स। बोले, नहीं इससे भी ज्यादा। मैंने कहा, मौत का भय। बोले, नहीं बुढ़ापा। मनुष्य को दुनिया में सबसे ज्यादा बुढ़ापा सताता है। इसके बाद उन्होंने अपने कमंडल में से ये चंद पत्थर निकालकर मुझको दिए और बोले, बच्चा जा, दुनिया में बूढ़ों का दुख दूर कर। मैं पत्थर की तरफ देख ही रहा था कि गुरुदेव गायब हो गए। उठो देवी, देवी की सहायता करो। इंद्रलोक के समय के झटके बर्दाश्त कर सकेंगी? हाँ। तो ये लीजिए,
माला पहनकर उस चक्र में खड़ी हो जाइए। अगर झटके बर्दाश्त कर लिए तो साल भर के अंदर जवान हो जाएंगी। पधारो देवी। बधाई हो देवी, बधाई हो, आपको गुरुदेव का वरदान मिल गया। अरे अरे, ये क्या? आश्रम के लिए छोटी सी भेंट एक्सेप्ट कीजिए। नहीं, हम लक्ष्मी को हाथ नहीं लगाते, वहां रख दीजिए, वहां। ऋषिकेश की यात्रा ने हमको बहुत थका दिया है, अब आप जाइए, लेकिन हमारा नाम किसी को नहीं बताइए, वरना हम दी हुई जवानी फिर से छीन लेंगे। जाइए देवी। सुनिए, आप कब तक यहाँ रहेंगी? कल जा रही हूँ, आप कहे तो ना जाओ। नहीं नहीं नहीं, जरूर जाइए, अवश्य जाइए, कल ही जाइए, लेकिन दो बातों का ख्याल रखिएगा। एक तो साल भर तक शुद्ध वेजिटेरियन रहिएगा, और दूसरे साल भर तक शीशा नहीं देखिएगा। जाओ देवी, जाओ, गुरुदेव आपकी सहायता करेंगे।